आज एक खबर जो आपको दिखाने जा रहा हूं, उस खबर को देखना समझना जरूरी है। हुआ कुछ यूं कि कल एक शख्स बहुत हारा सा, थका सा, परेशान सा मुझे मिला सड़क पर। वो तमाम अखबारों चैनलों के दफ्तर ढूंढ रहा था। मुझे मिला, मैंने पूछा, उसने कहा कि भैया ये फलाना अखबार का दफ्तर कहाँ पे है, ये फलाना चैनल का दफ्तर कहाँ पे है। मैंने बता दिया, फिर मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो शख्स धीरे धीरे चला गया। जितनी जैसी उसकी हालत थी, वो देख करके मुझे लग रहा था कि जैसे पूरे रांची का उसने एक चक्कर मार लिया हो, पसीने से तर बतर। चूँकि अभी रांची का जो मौसम है उसमें पसीना जल्दी आता नहीं है, लेकिन वो शख्स पसीने से तर बतर था। एक पैर में टूटी हुई चप्पल थी, एक पैर में ठीक चप्पल थी, शर्ट जो थी वो कहीं कहीं थोड़ी फटी हुई थी, मैली कुचैली सी शर्ट थी। देख के लग रहा था कि बहुत गरीब स्थिति से, बहुत गरीबी वाली स्थिति से वो गुजर रहा है। थोड़े देर के बाद वो शख्स मुझे मेरे दफ्तर में ही मिला। मैंने पूछा, अरे आप यहाँ, अभी तो थोड़ी देर पहले आपने एड्रेस पूछा था। बोला, हाँ मैंने आज पूरे दिन रांची के जितने अखबार हैं, जितने चैनल हैं, सब के दफ्तरों के चक्कर मार दिए, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा मेरी बात। मैंने पूछा, भाई क्या हुआ? तो उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उसने कहा कि मैं सिकिदरी का रहने वाला हूँ, मेरे भाई लोग हैं, चचेरा भाई वगैरह हैं, पुश्तैनी हमारी कुछ ज़मीन है, उसमें मेरा भी कुछ हिस्सा है। सिकिदरी जाने वाले रास्ते में एक पंजाबी ढाबा है जो कोई विक्की राय नाम के शख्स चलाते हैं। तो ये जो पंजाबी ढाबा है, ये जिस जमीन पर बना हुआ है, इस शख्स का दावा है कि ये ज़मीन इनकी है। इनका कहना है कि पिछले कुछ समय तक तो इनके परदादा के नाम से रसीद कटती थी, फिर अचानक से कुछ हुआ कोरोना काल में और रसीद जो है वो किसी और के नाम से कटने लगी अचानक से। मैंने ज़मीन नहीं बेची। कुछ दिनों तक, पिछले कुछ महीनों तक मुझे उस ज़मीन का किराया देते थे, तो मैं सोचता था ठीक है भाई, चूँकि मेरे जीने के लिए मेरी ज़रूरत कम है, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 जो भी किराया मिलता था उससे मेरा घर परिवार चल जाता था। फिर अचानक से इस ढाबे के मालिक ने कहा कि नहीं, अभी इस ज़मीन पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, इस ज़मीन को मैंने खरीद लिया है। किससे खरीदी है वो बताया नहीं। तब से ये थाना जाता है, सिकिदरी थाना जाता है, तो सिकिदरी थाना भड़क जाता है इनके ऊपर, इनको मार करके भगा दिया जाता है। ये अंचल कार्यालय जाता है तो वहाँ इनको भगा दिया जाता है, डांट के भगा दिया जाता है। तो इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ जाए। तो हमने सोचा कि भाई जब ये शख्स इतनी दूर से फरियाद लेकर के आया है तो इनकी फरियाद आपको सुनाई देनी चाहिए। तो हम आज वही फरियाद आपको सुनाते हैं, एक बार सुनिए इस फरियाद को कि ये शख्स क्या कह रहे हैं। एक बार उनसे खास बातचीत हमारे संवाददाता राहुल ने की है, वो सुनाई जाए। धानी में वैसे तो जमीन पे कब्जा कर लेना अब आम बात सी हो गई है। आए दिन जमीनों पर अवैध तरीके से दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। सांडी निवासी इस्लाम अंसारी हैं, इनका सांडी में खतियानी जमीन है और इस जमीन पर एक अवैध कब्जा किया गया है। पंजाबी ढाबा के मालिक बिक्की राय ने उस पर कब्जा किया है। क्या पूरा मामला है जिसको लेकर आप थाने लगातार जा रहे हैं? पंजाबी ढाबा 50 डिसमिल के एरिया में है। वो मेरा भैया, मेरा चचेरा चाचा अलीम और मुस्लिम अंसारी और पंजाबी ढाबा का मालिक बिक्की रॉय, इन लोगों ने कहा कि मेरा अलीम चाचा जो बोला कि इसमें होटल बनाएंगे, रेस्टोरेंट बनाएंगे, तुम्हारा जो 14 डिसमिल इसमें पड़ता है हिस्सा उसको दे दो, जो मुनाफा होगा तुमको देंगे। कुछ दिन तक, 2-3 महीना तक मैंने दिया, 2,000-3,000 इस तरह से दिया, हाथ में देता था। उसके बाद वो अपने तरीके से बाउंड्री उंगड़ी करने लगा, तो हम बोले कि भाई देखिए मेरा हिस्सा है, आप इस तरह कैसे करिएगा। तो आप बोला कि बात एक ही है, तुमको मुनाफा से मतलब है, इसको हम लोग लीज में दे रहे हैं दूसरे को, सो उससे जो मुनाफा मिलेगा आपको मुनाफा से मतलब है, आपका ज़मीन हम लोग कुछ नहीं करेंगे। कुछ दिन तक चलता रहा, आज करीब 8-10 साल तक चलता रहा, मुनाफा देता था 5,000-4,000 इस तरह देता था महीना। जब लॉकडाउन हुआ कोरोना काल से, उसके बाद से मुनाफा देना बंद कर दिया और इसी बात को लेकर विवाद हो गया वहाँ। सिकिदरी थाना आप जाते हैं तो वहाँ की पुलिस आपको क्या कहते हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है? अभी तो
मैंने बहुत मैंने गलत तरीके से पेश आते हैं और ऐसा लगता है कि अब थाना जाने में डर लगता है। तो आप कहाँ थे जब FIR आप पे दर्ज किया गया, तो आप कहाँ थे? और मांझी बाजार उधर गए थे और शाम रात 7 बज गया था इधर ही। तो बच्चा लोग क्या काम करते हैं आप? तो ये एक मामूली ऑटो है, कभी कभार इधर उधर चलाते हैं। अच्छा। और थोड़ा बहुत खेती बाड़ी का काम करते हैं, खेती मजदूरी करते हैं। तो अभी जमीन का जो मोटेशन कम्यूटेशन है वो किसके नाम से कट रहा है, रसीद किसके नाम? अभी देखिए केस जब हुआ ना उसके बाद जब हम कोर्ट में जब केस आ गया तो उसके बाद एक महीना के बाद आनंद फानन में अली मंसारी मेरा चचेरा चाचा CEO के यहाँ आवेदन दिया और पैसा देकर मोटेशन करवा लिया। तो एक तरह से जब केस 107 का SDO केस कोर्ट में चल रहा था उसके बाद वो मोटेशन कराए? हाँ, केस लगा हुआ था कोर्ट में, उसके बाद वो मोटेशन करा लिए। तो केस लगने से पहले तो 144 लगा होगा जमीन पे? हाँ, 144 था पहले लगा हुआ, तो उसके बाद जब मोटेशन करा लिए उसके बाद अभी देखिए थाना में हाल फिलहाल जाके FIR करा दिए हैं। अब थाना हमको परेशान कर रहा है कि तुम्हारे खिलाफ दंगा धमकी और ये बहुत तरह का लगा दिए हैं धारा। इन पर जो धाराएं लगी गई, इनके पिताजी पैरालिसिस हैं और जो धाराएं लगाई गई हैं तीनों लोगों पे 147, 148, 446, 427, 334, 379, 564, 506 और 34 भारतीय दंड संहिता, ये धाराएं लगाई गई है। इन पे आरोप है कि दंगा भड़काएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। आपको देखने से लग रहा होगा जब ये बात कर रहे हैं तो इनकी आवाज़ कांप रही थी पुलिस के डर से। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से दंगा भड़का सकते हैं। हालांकि रांची पुलिस लगातार जमीन दलालों के सहयोग करती रही है, अवैध कब्जा कराने में उसका भरपूर सहयोग करती रही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि एक गरीब चेहरा, एक मासूम व्यक्ति जो अब अपनी जमीन की लड़ाई लड़ते हुए अब लाइव सेवन आ पहुंचा है, हम उसकी पूरी मदद करेंगे। अपने सहयोगी राधे रमन के साथ राहुल कुमार, लाइव सेवन रांची। सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जो सिकिदरी की ग्राउंड रिपोर्ट है वो भी आपको दिखाएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए, लेकिन पहले मैं राहुल के पास चलता हूँ। राहुल, इस्लाम अंसारी जिनकी जमीन, सबसे आश्चर्य की बात जो मुझे इस बातचीत में लगी वो ये लगी कि धारा 144 लगी हुई है इसके, या धारा 107 लगी हुई है, मतलब इस जमीन पर कौन सी धारा अभी लागू है? और अगर धारा 144 भी लगी हुई है तो भी इस जमीन पर कोई काम नहीं हो सकता, धारा 107 लगी है तब तो खैर कुछ हो ही नहीं सकता है। राहुल, फिर भी ढाबा चल रहा है, आनंद से ढाबा चल रहा है, सब काम चल रहे हैं, तो आखिर सिकिदरी पुलिस की भूमिका पर तो सवाल खड़े होते हैं। राहुल, देखिए सिकिदरी पुलिस और इस्लाम अंसारी जिस तरीके से बताया, जो कागजात उन्होंने दिखाया, पहले उस पर विवाद था, उस भूमि में विवाद था, उसके बाद वो उस पुलिस वहाँ के जो है उन्होंने केस किया STO केस में, उसके बाद पूरे मामले में धारा 144 लगाई गई उस जमीन को पर, उसके बाद 44 लगने के बाद मामला ऑर्डर में चला गया 144 का, उसके बाद उस पर 107 लगी। हालांकि जो पंजाबी ढाबा वहाँ पे संचालित हो रहा है, विक्की राय उस ढाबा के संचालन करता है, और 2019 से पहले जब उस ढाबा चल रहा था तो इस्लाम अंसारी को उन्होंने यह बात कही थी कि आपको किराया नहीं, आपको पार्टनरशिप में ढाबा शुरू करने के लिए उन्होंने एक तरह से कहा कि उन्हें प्रलोभन दिया था, और उसके बाद वो ढाबा का संचालन शुरू किया। लेकिन जैसे 2019 में कोरोना आया, कोरोना के बाद जब उन्होंने पैसे की मांग की, कोरोना के समय ढाबा भी बंद हो गया, उसके बाद जब ढाबा खुला तो उन्होंने कहा कि अब जो हमारा हिस्सा बनता है उसे आप दीजिए, उसके बाद उन्होंने जो है ढाबा का जो इस्लाम अंसारी थे उनको उनके जमीन के एवज में जो पैसा देना चाहिए, जो मंथली पैसा परसेंटेज था, कमीशन एक तरह से कह दीजिए, जो हिस्सेदारी थी देने की बात कही गई थी विक्की राय की ओर से, वो देना बंद कर दी। लेकिन उसके बाद भी ढाबा पूरी तरीके से अच्छे तरीके से संचालित हो रहा है, और साथ ही आप देखेंगे कि किस तरीके से जो पूरा सीन है
तीन को आप समझिएगा तो देखने में तीन और पेपर को देखने से समझ में आ रहा है कि स्थिति ठीक नहीं है वहाँ की। और इस्लाम अंसारी लगातार जब पहुंचने लगे वहाँ पर, थाने पे लगातार जाने लगे, तो इस्लाम अंसारी इनके जो पिताजी हैं और जो कि पैरालिसिस है उन पर एफ आई आर हुआ और इनकी पत्नी पे एफ आई आर कर दिया। अगर तीन लोगों पर एफ आई आर कर दिया, कुल नौ धाराएं लगाई गई, नौ धाराओं में एफ आई आर किया गया पुलिस की ओर से। सिर्फ इस्लाम अंसारी से ही आप एक तरह से कह सकते हैं कि गलती थी कि उन्होंने जो समस्याएं थी, समस्याओं को लेकर, एफ आई आर को लेकर, या एक कह रहे कि उनके जमीन पे जो कार्य चल रहे थे, जो ढाबा संचालित हो रहा था, उसकी शिकायत तो करने चले गए, उच्च अधिकारियों के पास आ गए जब उनके थाने में शिकायत नहीं सुनी गई, तो उसको लेकर जो थाना के वहाँ के सिकेरी थाना के जो अधिकारी थे, बड़ा बाबू थे या जो भी थाना अध्यक्ष थे, उन लोग नाराज हो गए और उल्टा ही पीड़ित से ही पेश कर दिए। अब देखने वाली बात होगी कि इस पीड़ित से जो पेश हुआ है उसको किस तरीके से प्रशासन लेता है, क्योंकि अगर आप हमारी जमीन भी ले रहे और उनका एफ आई आर अगर पुलिस कर रही, तो कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत और जो भू माफिया, जो भू जमीन दलाल है उनकी मिली भगत और जो विक्की राय पंजाबी ढाबा का संचालन करे उनकी मिली भगत, तीनों लोगों की मिली भगत दिखाई इसमें दे रही है। अब जितना वाली बात यह होगी कि इस्लाम अंसारी अब अपने इंसाफ के लिए दर बदर ठोकर खा रहे हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। राहुल, एक सवाल ये है कि जो शख्स हमारे पास आया इस्लाम अंसारी, तो ये शख्स नीचे मिला, उसने मतलब बताया है कि वो बहुत दिनों से दौड़ रहा है। सवाल ये उठता है कि कानूनी प्रावधान क्या है ऐसे लोगों की मदद के लिए, कोई कानूनी प्रावधान है? मतलब क्या ये कोर्ट का रुख कर सकते हैं? कोर्ट का रुख करने के बावजूद अगर इस तरीके से, कोर्ट के आदेश के बाद 144 लगने के बावजूद अगर इस तरीके का काम हो रहा है, तो एक आदमी कहाँ का रुख करे, मतलब किधर जाके एक शख्स फरियाद करे? राहुल, देखिए कोर्ट की रुख की अगर बात करें तो कोर्ट में तो इस्लाम अंसारी रुख कर ही चुके हैं और कोर्ट में 107 का जो है मुकदमा चल रहा है, अभी उसका निस्तारण नहीं हुआ है। उसके बावजूद जो पूरा जो संचालन करता है ढाबे का, संचालन जो कर रहा है, उसने पूरी तरीके से इसके काम कर रहा है, कब्जा कर रहा है, इन्हें बेदखल करने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। उसके साथ ही इनके परिवारजनों पर केस करना एक तरह से आप देखेंगे किस तरीके किस तरफ दर्शा रहा है शासन और पुलिस प्रशासन जो उसको किस तरफ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे आप सीधा समझ सकते हैं। हालांकि इस्लाम अंसारी लगातार कह रहे थे कि हम चाहते थे कि हमारा जो मामला है सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन हम कई महीनों तक थाने का चक्कर लगाए, पुलिस प्रशासन को उसके मदद की गुहार लगाते रहे, जैसे भी थाने पर जाते रहे, थाने के जो अधिकारी कभी भी हमारा नहीं सुने। जो है कि उनके जो चचेरे भाई हैं मुस्लिम अंसारी, ये बीती राय जो पंजाबी ढाबा के संचालक, इन लोगों से मिले हुए हैं और इसी के बदौलत हमारे ऊपर केस कर दिए, जबकि इस्लाम अंसारी एक राइट हैंड से विकलांग है। इसके अलावा उसके पिताजी, आप जिस तरीके से तस्वीर दिखा रहा था, उसके पिताजी पैरालिसिस है और उसकी जो वाइफ और हाउस वाइफ है और जो धाराएं लगी है उसके पीछे आप देखेंगे कि उसमें धाराएं हैं दंगा भड़काने से लेकर शांति भंग करने से लेकर अलग अलग तरह की अलग अलग जो धाराएं लगी हैं, काफी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जो भू माफिया है इस्लाम अंसारी को किस तरीके से टारगेट किए हैं, किस मुकदमा चलने के बावजूद पुलिस उसकी सहयोग नहीं कर रही है, ये कहीं ना कहीं एक सवाल प्रशासन पर खड़ा करता है। जी, एक सवाल ये है राहुल, ऐसे मामलों में अक्सर जो चीज़ देखने को आती है वो ये आती है, वो एक शेर है कि लकड़ी के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। इस्लाम अंसारी के साथ भी यही कुछ हुआ है, मतलब इस्लाम अंसारी की जो बर्बादी है, जमीन की जो ये चोरी है, ये तभी संभव है ना जब इस्लाम अंसारी के खुद के परिजन जिनसे उनका खून का रिश्ता है वो लोग इन भू माफियाओं से मिले हुए हैं। अगर वो लोग ना मिले होते तो इस्लाम अंसारी की ये हालत ना होती। राहुल,
जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरीके से उनके चचेरा भाई जो मुस्लिम अंसारी हैं वो पंजाबी ढाबा के जो संचालक हैं विकी राय से मिले हुए हैं, विकी राय से मिले हैं और अब इन्हें जो इस्लाम अंसारी इन्हें पूरी तरीके से बेदखल करने की कोशिश उन लोगों की ओर से की जा रही है कि अगर इस्लाम अंसारी को बेदखल कर दिया जाता तो पूरी जो जमीन है उनके कब्जे में होगी और वो कहाँ जाएंगे, न्याय लेने का आदमी कहाँ जाता है? पहले प्रथम दृष्टा आप देखेंगे कि किसी के साथ कोई घटना घटती है तो थाने में जाता है, जो नजदीकी पुलिस थाना होता है वहां पर जाता है, पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पर न्याय की गुहार लगाता है। उसके बाद सेकेंड होता है कि वो जमीन का जो मामला होता है एसडीए कोर्ट में या डीसी कोर्ट में पहले वो प्रार्थना देता है, वहां पे सुनवाई होती है जबकि वो मामला पहले से वहां पे चल रहा है। अब बचता है पुलिस का, पुलिस पहले ही बार बार जाने के बाद जब वो एसएसपी के यहाँ शिकायत कर दिया कि हमारा सिकंदरी थाने में सुनवाई नहीं होती है तो उस पर ही उल्टा दंगा भड़काने और शांति भंग करने के आरोप में 9 धाराओं में चलान कर दिया, केस कर दिया गया और केस एक लोगों पे नहीं किया गया, इस्लाम अंसारी के पूरे परिवार के साथ कर दिया गया। अब इस्लाम अंसारी के घर में 2 बेटियां हैं, उनका पालन पोषण, उसके साथ ही जमीन जो है उनकी रहने की, जो मात्र जो रहने की जमीन है, जीविका का एक तरह से कह सकते हैं कि जीविका उपार्जन का साधन है कि उनके जो किराया मिलता था, जो पार्टनरशिप को लेकर वादा किया गया था उसमें से जो पैसा मिलता है घर परिवार चलता, इन सारी चीजों को आप देखें कुल मिला के तो इस्लाम अंसारी अपनों के ही बीच में पिछते दिखाई दे रहे हैं और अपने जो है उन्हें पूरी तरीके से परेशान, मुकदमा के सब चीजें में उलझा चुके हैं और अंततः देखिए ऐसे मामलों में अंततः यही होता है कि या तो खुद आदमी सुसाइड कर लेता है या फिर वो सड़क पे आ जाता है, किसी और का नहीं बचता है। और ऐसा ही इस्लाम अंसारी को देखने से लग रहा था क्योंकि एक हाथ में झोला कागज और वो पैदल व्यक्ति आया था नीचे, हमें मिला ऑफिस के नीचे और अपनी आप बीती बताने लगा। तो इस तरह के लोगों को अगर हम न्याय नहीं दे पा रहे, ये शासन प्रशासन इस तरह के लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रही तो एक बड़ा सवाल उठता है। हालांकि रांची पुलिस लगातार दावे करते हैं कि हम सही के साथ हैं, सत्य के साथ हैं, लेकिन इससे एक साफ होता है कि जो व्यक्ति थाने में शिकायत करने जाता है और उसकी शिकायत नहीं सुनी जाती है, उल्टा उस पर एफआईआर कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं रांची पुलिस के कार्यशैली पर सीधे तौर पर सवाल उठता है, सिकंदरी थाने के पुलिस कर्मियों पे अधिकारियों पे सीधे तौर पर सवाल उठता है और जो लोग इसके पीछे हैं उनको, उन लोगों पे कार्रवाई ना करते हुए इस्लाम अंसारी पे कार्रवाई करना एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से गलत है, न्याय संगत नहीं है। पुलिस को इस तरफ सोचना चाहिए था कि एक व्यक्ति को इस तरह से मुकदमा दर्ज करना, इस तरह से धाराएं लगाना कहां तक ठीक है, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी जमीन की लड़ाई, अपने जो हक की लड़ाई लड़ रहा है। जी बिल्कुल, चलिए चलिए राहुल, कुल मिलाकर के इस्लाम अंसारी अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, इसमें वो अकेला पड़ा था, हम उसका साथ देंगे क्योंकि ये इंसाफ की लड़ाई है। ग्राउंड रिपोर्ट भी हम दर्शकों को दिखाएंगे कि सिकंदरी में क्या हालात हैं उस जगह पर जहां पर जमीन है, बहुत जल्द ये भी हम उनके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि सिकंदरी थाना वो पूरी ईमानदारी के साथ इस मामले में निष्पक्ष होकर के और जांच करेगा और जांच करने के बाद जो रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट सामने रखेगा। एक तरफ झुक करके कभी भी ये रिपोर्ट नहीं तैयार की जा सकती, दबंगों की तरफ झुक करके कभी भी रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकती। ये याद रखना होगा कि कानून के आंख पर पट्टी बंधी होती है तो वही पट्टी बांधकर सिकंदरी थाने को ये जांच करनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो राहुल सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, इस्लाम अंसारी के जमीन का ये मामला हमने आपको दिखाया, सिकंदरी का ये मामला था। उम्मीद करते हैं कि इस मामले में अब सिकंदरी थाने की आँखें खुलेंगी।